हेलो दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिसकी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि उनका जो गुड़हल का पौधा है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ नहीं हो रही है, नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो नई नई कलियाँ जो है वो पौधा नहीं बना रहा है। क्योंकि एक बात आपको जानने की ज़रूरत है दोस्तों, पौधे में जब भी नई ग्रोथ आती है तभी पौधा नई कलियाँ बनाता है, कभी भी पुरानी ब्रांचेज में पौधे में कलियाँ नहीं बनती है। आप मेरे गुड़हल के पौधे को देख सकते हैं, मेरा जो गुड़हल का पौधा है वो कितनी अच्छी एकदम बम्फर कलियाँ बना रहा है और बहुत सारे जो है वो मेरे पौधे में फ्लावरिंग भी हो रही है। सारे ही पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, बम्फर जो है मेरे पौधे में कलियां बन रही है और सारे ही फ्लावर्स के जो साइज है वो बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज के आ रहे हैं। देख सकते हो ओवरऑल आप मेरे सारे ही गुड़हल के पौधे का रिजल्ट, मेरे सारे ही गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट है और पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो यह जो है दोस्तों किस कारण से है वो मैं सबसे पहले आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि आज जो है दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूँ जो आपके किचन में ही अवेलेबल हो जाएगा, आपके किचन के चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएगा, आपके जो है वो घर के चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएगा, आपको एक रुपए की खर्च भी नहीं लगेगी और तो और आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी इससे रिजल्ट भी आएगी। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि गुड़हल के पौधे में किस किस समस्या को अभी जो है वो बरसात के टाइम पर देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है दोस्तों वो देखने को मिलती है कि पौधे में जो है वो कीड़े मकोड़े आके लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे जो पौधे की पत्तियां हैं पत्तियों को ही खाने लगते हैं और तो और जो भी नई कलियां बनती हैं उसके रस को ले लेते हैं, तो कलियां खिल नहीं पाती है, जो है वो पीली होके गिर जाती है। इस तरह की समस्या आपको गुड़हल के पौधे में अभी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उसके लिए जो है दोस्तों एक बेहतरीन रिजल्ट मैं आप सभी को बताती हूँ। आप जो है क्या कर सकते हो, आप घर में ही नीम के पत्ते को उबाल के और सप्ते में एक बार अपने सारे ही पौधे में उसको जो है स्प्रे कर दो, उससे आपके पौधे में कभी भी कीड़े मकोड़े आके नहीं लगेंगे और आपका पौधा जो है वो स्वस्थ बना हुआ रहेगा। और अगर आप यह नहीं करना चाहते हो तो आप जो है दोस्तों नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, उससे भी आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आएगी। मैं सप्ते में एक बार अपने सारे ही पौधे में इसका स्प्रे कर देती हूँ, मैं एक शेड्यूल बना ली हूँ कि आज मैंने स्प्रे किया हुआ है तो मैं एक हफ्ते बाद फिर से अपने पौधे में इसका स्प्रे करती हूँ, उससे मेरे पौधे में कीड़े मकोड़े मिलीबग्स वगैरह नहीं लगती हैं, चींटियां वगैरह नहीं लगती है, तो मेरा पौधा का जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ रहता है और मेरा पौधा बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहता है, इसलिए बम्फर फ्लावरिंग भी करता है। पौधा जब तक हेल्दी नहीं रहेगा तब तक जो है दोस्तों उसमें अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं आती है। आप मेरे छोटे से ही पौधे को देख सकते हैं, मेरे छोटे से ही पौधे में सारे ही ब्रांचेस में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर्स के साइज भी जो है वो बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज के हैं। चाहे वो आपका देसी किस्म का गुड़हल हो या फिर जो है आपका वो हाइब्रिड किस्म का गुड़हल हो, सारे ही पौधे में आप इस तरह से उसके ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम गुड़हल के पौधे में अभी देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है दोस्तों कि पत्तियां जो है वो पीली होके गिरती है। तो पत्तियां पीली होके क्यों गिरती है वो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है। तो जब पौधे में आयरन मैग्नीशियम की कमी हो जाती है दोस्तों तो पौधे की पत्तियां पीली होके गिरने लगती है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा खाद लेके आई हुई हूँ जो आयरन मैग्नीशियम का सोर्स बहुत ही अच्छा होता है और आपके पौधे में यह सारी कमी को पूर्ति कर देगा और आपका पौधा जो है वो पत्तियां पीली होने की समस्या भी दूर हो जाएगी और आपका पौधा जो है वो हेल्दी हो जाएगा। जब तक पौधा हेल्दी नहीं होगा तब तक वो बम्पर फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसलिए आपको यह खाद, इस तरह की समस्या अगर आपके पौधे में आ रही है तो आपको यह खाद देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले खाद देने से पहले आपको थोड़ी बहुत अपने पौधे की केयर करने की ज़रूरत है। गुड़हल के पौधे को एकदम चिपचिपी मिट्टी भी नहीं पसंद होती है और एकदम जो है दोस्तों वो सूखी मिट्टी भी नहीं पसंद होती है। गुड़हल के पौधे में हमेशा गमले की मिट्टी नमी बनी रहे, इस तरह का गमला का मिट्टी आपको रखना है। जो भी इस तरह की खरपतवार निकल के आई हैं उनको समय समय पे हटाते रहें, पत्तियां गिर रही हैं उनको समय समय पे आप हटाते रहें। देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी इसमें जो है वो मॉइस्चर बनी हुई है। इस तरह की मिट्टी का गुड़हल के पौधे में आपको चयन करना है। ज़्यादा गमले की मिट्टी अगर सूख जा रही है तो भी आपके पौधे में खराबी होगी, पत्तियाँ पीली होगी, कलियाँ जो है वो बिना खिले ही पीली होके गिरने लगेगी। इसलिए गुड़हल के पौधे में आप हमेशा नमी को बनाए रखें। जब भी बारिश आए तो ऐसा नहीं है कि पूरे ही बारिश के टाइम पे आपको अपने पौधे में पानी नहीं देना है। अगर एक दिन तक बारिश ना आए और गमले की मिट्टी सूख जा रही है तो आप अपने पौधे में पूरा प्रॉपर पानी दें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
उसके बाद जो भी कलियां इस तरह की खिल के और खत्म हो गई हैं, इनको आप अपने पौधे से समय समय पे हटाते रहें। इस चीज का भी आप अपने पौधे में पूरा ही प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप यह चीज छोटे बहुत चीजों को ध्यान देते रहोगे, थोड़ी बहुत अपने पौधे की समय समय पे केयर करते रहोगे, तो आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा और आपका पौधा बम्पर फ्लावरिंग भी करेगा। किसी भी चीज की अगर आप केयर नहीं करते हो तो उससे आपको सही रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। इसलिए हमें सारे ही पौधे की अच्छी केयर करना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद जो है दोस्तों, हमें अपने पौधे को न्यूट्रिशन तो देना ही देना है। तो आज जो न्यूट्रिशन मैं आप सभी के साथ लेके आई हुई हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि वो आपके किचन में ही बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो न्यूट्रिशन क्या है और वो आपके पौधे में किस तरह से काम करता है और उसमें कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन जो है उसमें पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमने पूरा ही प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो बना के तैयार कर लिया है। तो ये न्यूट्रिशन क्या है और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, आप कैसे इसको बना सकते हो, ये चलिए आपको मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो यह जो चीज है दोस्तों, ये है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर। प्याज के छिलके को हमने बहुत ही अच्छे से पानी में भिगो के जो है वो 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ दिया था। इसमें जो है दोस्तों सल्फर मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये हमारे पौधे को न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छी मात्रा में पहुंचा देता है। और आयरन की कमी अगर हमारे पौधे में हो जाती है तो उससे जो है पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है, कलियां जो है वो बिना खिले ही गिर जाती है। उसके लिए हमने यहाँ पे जो चीज लिया हुआ है वो देख सकते हैं दोस्तों, ये है कील। ये जो है दोस्तों, ये है कांटी। कोई भी लोहे के चीज, छड़ वगैरह आप ले सकते हो, उसको पानी में डाल के आप क्या करो, कम से कम जो है दोस्तों आप 5 से 6 घंटा के लिए छोड़ दो। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन की मात्रा पाई जाती है। इससे हमारे पौधे को आयरन की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। ये एक नेचुरल तरीका है, नेचुरल तरीके से आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन दे सकते हो। इसको भी हमने डाल के कम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दिया था। सारे ही चीजों ने अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दिया है, इसलिए पानी का कलर आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो चुका है। इसको जो है दोस्तों, छिलके गीले हैं तो छिलके को आपको पौधे में नहीं देना है, तो इसको सबसे पहले आपको छान के हटा लेना है, उसके बाद आपको देना है। प्याज का जो छिलका होता है दोस्तों, इसे माइक्रो न्यूट्रिशन का भरमार होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और ये एक रूटिंग एजेंट का काम करता है। हमारे पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में, उसको हेल्दी रखने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। इसलिए बरसात के टाइम पे हमारे रूट्स बहुत ज्यादा खराब होते हैं, तो आप प्याज के छिलके का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हो। इससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आएगी। आपका पौधा का जो रूट्स है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी बना हुआ रहेगा। इसलिए बरसात के टाइम पे आप प्याज के छिलके, केले के छिलके का फर्टिलाइजर जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन आपको कैसी मिट्टी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि बरसात के टाइम पे जिनके यहाँ पे लगातार से बारिश हो रही है, गमले की मिट्टी पूरा चिपचिपी है, वो लोग कभी भी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। वो लोग अगर लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके गमले की जो रूट्स है, पौधे के जो रूट्स है, वो और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। जब भी आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले आप गमले की मिट्टी को देखो कि गमले की मिट्टी में जो है वो हल्की नमी बनी हुई है तो चलेगी, लेकिन गमले की मिट्टी चिपचिपी आपकी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की मिट्टी हो तभी आप अपने पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन को दे, खास करके लिक्विड फर्टिलाइजर तभी आप दें। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो है दोस्तों, वो 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर देने का मेरे पौधे में बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इस टाइम पे मैं अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइजर दे रही हूँ। इसी टाइम पे आप भी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो प्याज के छिलके है इसमें है, इसको सबसे पहले छान के हटा लूंगी। उसके बाद कितनी मात्रा में आपको पानी का डाइल्यूट करना है और एक गमले में आपको कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर को देना है, वो मैं वीडियो में आप सभी को आगे बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या करती हूँ, छान के अलग कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमने अपने न्यूट्रिशन को छान लिया हुआ है और ये ज्यादा नहीं है दोस्तों, ये कम से कम 300 ml होगा। 300 ml ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक के अनुपात में पानी का डाइल्यूट कर लेंगे। मतलब और जो है दोस्तों 300 से 400 ml हमें इसमें पानी का डाइल्यूट करना है। तो ये कुल मिला के जो है दोस्तों वो हाफ लीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कितनी क्वांटिटी में अपने गमले में देंगे वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो हमने पानी का डाइल्यूट भी जो है दोस्तों अपने फर्टिलाइजर में कर लिया हुआ है और ये मेरा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, ये अब गमले में डालने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको जो है दोस्तों अब हम लोग अपने गमले में डाल सकते हैं। और ये जो है दोस्तों मेरा 8 इंच का गमला है और ये हमारा बहुत ही छोटा सा पौधा है, उतना ज्यादा भी बड़ा पौधा नहीं है दोस्तों। तो इसमें 0.5 लीटर न्यूट्रिशन मैं बहुत ही अच्छे से इस तरह से दे दूंगी। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना भी जरूरी है, गुड़ाई करके आप दोगे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन हमने हाल ही में अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करी हुई है, तो इसलिए जो दोस्तों मैं अभी अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, इस तरह
तरह से मैं अपने न्यूट्रिशन को अपने पौधे में दे दे रही हूँ। और ये जो है दोस्तों मैंने मॉर्निंग के टाइम पे अपने पौधे को दिया हुआ है, तो अब जो है इसको थोड़ा सा हमें शेडी वाले जगह पे रख देना है। न्यूट्रिशन देने के बाद आपको पूरा ही प्रॉपर धूप में अपने पौधे को नहीं रखना है। तो इसको मैं अब क्या करूंगी, आप जो है दोस्तों इसको हमें हल्की शेडी वाले जगह में इसको मैं रख दूंगी, ताकि आज जो है वो दिन भर का धूप हमारे पौधे को ना मिले, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इस पौधे को धूप दिला सकती हूँ। देख सकते हैं किस तरह से पौधे की पत्तियां जो है, इस पौधे की ऊपर की पत्तियां पीली हो रही थी, इसलिए मैंने इस पौधे में अभी न्यूट्रिशन को दिया हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे को जो है दोस्तों यह होममेड न्यूट्रिशन अपने पौधे में 15 दिन में एक बार दें। आपके पौधे में भी अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो सारी ही समस्या जो है दोस्तों आपके पौधे से चुटकी में गायब हो जाएगी और पौधा बहुत ही अच्छी खासी एकदम बम्पर फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, एकदम बम्पर कलियां ले आएगा। और पौधे में अगर नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है तो बम्पर नई ग्रोथ भी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। जितनी ग्रोथ आएगी उतना ज्यादा जो है दोस्तों पौधे में कली बनेगी और उतना ज्यादा आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग के लिए एक्टिव होगा। जब तक पौधे में न्यू ग्रोथ आना शुरू नहीं होगी, नहीं जो है वो कलियां बनना शुरू नहीं होगी, तब तक जो है दोस्तों पौधा फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं होता है। इसके लिए पौधे को हेल्दी रखना जरूरी होता है। इसलिए आप सभी को मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा एक हेल्दी न्यूट्रिशन शेयर की हूं। इस न्यूट्रिशन के सहायता से आपका पौधा बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ करेगा और एकदम बम्पर फ्लावरिंग भी करेगा। पौधे की पत्तियां अगर पीली हो रही है तो यह समस्या भी जो है दोस्तों वो चुटकी में गायब हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अपने पौधे की होममेड तरीके से ही केयर करती हूं और कुल मिलाकर आप मेरे सारे ही पौधे का ग्रोथ देख सकते हैं, पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, पौधे में बहुत ही अच्छी खासी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। और मैं कभी भी जो दोस्तों वो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर हमारे पौधे को खराब कर देता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा जो छोटा सा नन्हा सा पौधा है वो खराब हो जाए। इसलिए मैं हमेशा जो है वो होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा मेहनत करती हूँ पौधे में, इसलिए मेरे पौधे में इतनी अच्छी खासी रिजल्ट आती है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।